स्टूडेंट, तो आज हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब क्या है। आइए सबसे पहले हम बात कर ले स्टूडेंट प्राकृतिक संख्या के बारे में, ये क्या होता है। तो इसे सबसे पहले समझिए, ये कहता है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल मतलब हो गया जो प्रकृति का हो, मतलब प्राकृत हो। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मतलब जो हम संख्या को क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे हमारे पास, आपको इसको n से लिखते हैं, नेचुरल नंबर है, n से लिखते हैं। जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, ये आपको इन्फिनिटी तक चलेगा। कहाँ तक स्टूडेंट, इन्फिनिटी तक। ओके, तो जो गिनती करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक, ये बात हो गई होगी क्लियर। अब इसके बाद है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब जो हम लोग इंग्लिश में अगर कहें तो वो नंबर की बात करते हैं। ये कहता है प्राकृतिक संख्याओं में, कहता है जो हमारे पास जो प्राकृतिक संख्या मतलब जो गिनती की संख्या है, अगर हम उसमें जीरो लगा दें, यहाँ पे जीरो को सम्मिलित करने पर, मतलब जीरो को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं, मतलब यहाँ पे रख देंगे जीरो को, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। मतलब आपको कुछ नहीं करना, ये वन है ना, उसके सामने आप जीरो लगा दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार से ये आपको आगे चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास इसके बाद जो स्टूडेंट आते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर। अब देखिए इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो ये जो प्राकृतिक संख्या हमारे पास है जो गिनती की संख्या है, और ये दोनों संख्या, इन दोनों का यहाँ पे कम्बिनेशन है। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो एवं ऋणात्मक संख्या को मिला दे, हमारे पास ये जो प्राकृतिक संख्या है स्टूडेंट, हम इसमें अगर जीरो और ऋणात्मक संख्या को क्या करते हैं, सम्मिलित कर देते हैं, तो जो हमारे पास प्राप्त संख्या होगा उसे हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। जैसे हमारे पास ये जो पूर्णांक संख्या जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग लेंगे जीरो, ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये आगे आपको इधर चलता रहेगा। ठीक, अब ये साइड जो चलेगा माइनस में, इसमें ऋणात्मक की भी बात कर रहा है स्टूडेंट, जो आपको चलेगा -1, -2, -3, -4 और -5, हमने यहीं तक लिया -5 तक। ये आगे आपको जो काम करेगा ये टोटली आपको इन्फिनिटी तक काम करता है। कहाँ तक स्टूडेंट, याद रखेंगे इन्फिनिटी तक काम करेगा आपका जो होगा इंटीजर्स। कहाँ तक, इंटीजर्स। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0, -1, -2, -3, -4 ये जो आपको चलेगा डॉट 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 डॉट, ये भी इन्फिनिटी तक चलेगा। कौन आपका, इंटीजर, भी आपका इंटीजर जो होगा इन्फिनिटी तक। लेकिन जीरो को साथ लेकर चलना है, प्लस माइनस दोनों, इसका मतलब है इसमें आपको प्लस वाला भी संख्या आएगा और माइनस वाला भी संख्या आएगा, तो वो आपको कहलाएगा इंटीजर्स। अगर संख्या रेखा पर जिसे हम दर्शाते हैं, इसी को दर्शाते हैं पूर्णांक संख्या को, ये जो लिखे अपन ऊपर वाला, इसी को, इस साइड में आपको प्लस में और इस साइड में आपको नेगेटिव। तो इस तरीके से आप इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।